जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल माँ कालका एजुकेशन क्लासेस में। आज हम आपको SSC GD 2022 का जो PT PST जो कंप्लीट हो गया था उसका जो रिजल्ट आया है उसके बारे में आज आपको बताएंगे। बिहार स्टेट का फीमेल और मेल का कि पहले से कितना रनिंग के समय कट ऑफ गया था, अभी कितना है और फिर कितना एक और बढ़ सकता है फाइनल, ये संभावित हम आपको बताएंगे। तो सभी का एक जगह संग्रह करके आपको बताने का कोशिश करते हैं। एरिया हो गया ये कैटेगरी, मार्च पहले कितना था, कितना रनिंग हुआ था और कितना भी बढ़ा है और कितना होगा। तो ये जो है सिर्फ बिहार के लिए है, बिहार का है, बिहार स्टेट फीमेल का है। तो बॉर्डर एरिया EWS का जो है 90.48 इतना है, जो कि पहले जो था 85 के आसपास 7.161 था। ये जो इंक्रीज हुआ है 5 नंबर इंक्रीज हुआ। जनरल एरिया का 106.83245 जो पहले जो था 102.92 जो कि 4 नंबर इंक्रीज हुआ है। नक्सल का EWS का जो है 93.48 पहले जो था वो क्या था, इतना 6 नंबर इंक्रीज किया है लगभग बता रहे। बॉर्डर एरिया SC का 51.0 इतना है जो कि इतना था पहले 50 था, मात्र 1 नंबर इंक्रीज हुआ, 1 नंबर से बहुत कम इंक्रीज हुआ है। जनरल SC का भी 1 नंबर ही हुआ है। नक्सल SC का भी 1 नंबर इंक्रीज हुआ है। बॉर्डर एरिया OBC 88 जो कि 2 नंबर इंक्रीज हुआ है बॉर्डर एरिया का। देखेंगे जनरल एरिया OBC का 106.066 जो कि इतना हुआ है, 4 नंबर इंक्रीज हुआ है। नक्सल एरिया OBC का जो है 96, 6 नंबर इंक्रीज हुआ नक्सल एरिया का। और बॉर्डर एरिया सबसे ज्यादा जो है जंगल का ही बढ़ा है, उससे भी ज्यादा ST का बढ़ा। देखिए UR का जो जंगल बॉर्डर एरिया का जो जंगल है वो 7 नंबर इंक्रीज किया है और जनरल का 3 नंबर, मात्र 3 नंबर इंक्रीज हुआ है। और UR का जो 6 नंबर इंक्रीज हुआ है। सबसे ज्यादा जो है ST का ही हुआ है जो कि 14 नंबर इंक्रीज हुआ, 14 नंबर हुआ है और 18 नंबर जो है जनरल एरिया का। तो इसमें जो संभावित है कि कितना बढ़ सकता है, कौन से है, तो हम ये कहना चाहते हैं कि जिसका बढ़ गया है, जिसका कम बढ़ा है उसका थोड़ा फाइनल में ज्यादा बढ़ने का चांस है, लेकिन जिसका कम बढ़ा है, लेकिन जिसका बहुत बढ़ गया जैसे 14 नंबर 15 18 नंबर ये सब बढ़ गया तो सबका और जो है संभावित 5 नंबर और बढ़ सकता है फाइनल के लिए। 5 नंबर 5 से 7 नंबर बढ़ सकता है। तो इस सब में अपना अपना 5-7 नंबर जिसका बेसी है 5 से 7, हम तो 10 नंबर कहेंगे जिसका 10 नंबर एक्स्ट्रा, 10 नंबर जिसका और है 10 नंबर सब EWS में जिसका भी 10 नंबर है वो कंफर्म 90% तो कंफर्म ही हमको लगता है। SC का 1 नंबर ही बढ़ा है, यानी इसका मतलब है कि इस नंबर नहीं है, इसी के आसपास से नंबर रहता तो बढ़ता है। तो हमको लगता है 3 से 4 नंबर इसमें और बढ़ेगा फाइनल के लिए, 3 से 4, क्योंकि नंबर रहता तो फिर बढ़ता क्योंकि नंबर इसी के आसपास है। यहाँ भी देखिए OBC का ही 2, 4, 6 नंबर बढ़ा है तो बॉर्डर एरिया में 2 नंबर बढ़ा है, तो इसमें भी जिसका 5 नंबर है 5 प्लस वो भी सेफ है। 4 नंबर बढ़ा है तो इसमें भी 10-10 मानकर चलिए कि 10-10 प्लस जिसका सेफ ही है। बॉर्डर का जो 7 नंबर बढ़ चुका है,
समझ सकते हैं। 7 नंबर बहुत बढ़ गया। 10 नंबर जिसका आप, 10 नंबर इसका भी वो सेफ है, लेकिन जनरल एरिया में जो है 3 नंबर ही बढ़ा है। तो हमको लगता है कि 5 से 7 नंबर। नक्सल यूआर का 6 नंबर, इसका भी 10 नंबर। 10 नंबर इतना नंबर है तो आप, हमको लगता है कि सेफ ही होंगे। ये जो बढ़ा है ये कुछ फाइनल है, लेकिन ये जो हम बता रहे हैं कि इतना बढ़ सकता है ये अनुमानित है, सो नहीं कि कंफर्म इतना ही होगा। ये अनुमान लगाए हैं, लेकिन हमें मालूम नहीं कि किसको कितना नंबर है। आप अपने अपने कमेंट में अपना नंबर भेजिएगा, जिससे कि पता चल सके कि कितना और इंक्रीज हो सकता है। लेकिन इतना कटोफ किसी ने नहीं सोचा था कि बढ़ाएगा, लेकिन बहुत कटोफ बढ़ा है, जिसमें कि बिहार स्टेट का देखिए मेल का बहुत ज़्यादा नंबर बढ़ा है। अमेरिका बॉर्डर एरिया में देखिए कि बॉर्डर एरिया में जनरल का जो है तो 11 नंबर बढ़ गया। 11 नंबर पहले जो है 92 नंबर था, 92.74, अब जो है 103 नंबर, 11 नंबर इंक्रीज हो गया। तो हमको लगता है कि बॉर्डर एरिया में यूआर में नंबर सभी को बहुत है, इसीलिए बढ़ा है। हमको लगता है कि 11 बढ़ा है, यदि 15 नंबर और रहना चाहिए, 15 कन्फर्म है। ऐसे 10 भी रहेगा, 10 वाले भी सेफ ही है, लेकिन 15 नंबर कन्फर्म हो मानते हैं, क्योंकि नंबर है तभी तो बढ़ा। देखिए जनरल एरिया में भी 6 नंबर बढ़ा है, जिसका भी 10 नंबर और है। आप कहेंगे कि इसे इतना नंबर क्यों बता रहे? पिछले बार जो गया था 51 नंबर था, 51 से 55 हुआ था, मेडिकल के लिए 55 हुआ था, 4 नंबर ही बढ़ा था। लेकिन जब फाइनल रिजल्ट हुआ था तो 11 नंबर बढ़ा था, 66 पॉइंट कुछ था लगभग, मतलब लगभग 11 नंबर बढ़ा था। तो जितना भी बढ़ा है उससे 1.5 गुना, लेकर हम चल रहे 1.5 गुना जिसका और नंबर है उसका हो जाएगा। जिससे उसी हिसाब से हम कह रहे हैं नक्सल युवा का 102 पहले था, अब 112, 10 नंबर बढ़ा है। तो हम यही कहेंगे 15 नंबर जिसका है वो सेफ है, 15 नंबर कन्फर्म। 6 है तो इसका 6 रहेगा, 9 होता लेकिन हम 10 लिखते हैं, 9 होता लेकिन 9 से 10 बोल रहे हैं। इसमें भी 15 नंबर बोले कि 15 है तो देखिए इसका 14 नंबर बॉर्डर एरिया AWS का जो 14 नंबर बढ़ा है। बहुत सारे भाई दोस्तों का नाम नहीं आया होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा कट ऑफ पड़ गया है, इतना किसी ने सोचा भी नहीं था। बहुत बोल रहे थे 2 नंबर बढ़ेगा, 4 नंबर बढ़ेगा, लेकिन बहुत बढ़ा है। तो 14 बढ़ा है, हमको लगता है 15 और चाहिए, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, लेकिन अब नहीं बढ़ना चाहिए। उसके बाद देखिए जनरल एरिया, जनरल एरिया में EWS का 109 था, 116 हो गया, 7 नंबर पर है। इसका भी 10 से 12 नंबर अभी और रहना चाहिए, तब वो जाकर सेफ मान सकते हैं। और ये जो है 12 नंबर नक्सल एरिया, नक्सल EWS जो कि हम लोग यहीं से आते हैं, नक्सल EWS से हम लोग हैं, ठीक है, नक्सल से। तो 94.0 मतलब 94 ही मान के चलिए था, लेकिन के बाद उसके बाद अभी जो आया रिजल्ट उसमें 106 जिस है, तभी आप मेडिकल दे पाएंगे। 12 नंबर इंक्रीज हुआ है, 12 नंबर। हम तो यही कहते हैं कि 15 नंबर किसका है वो तो भाई सिर्फ 15 नंबर। ऐसे तो हमारा जो है बता देते हैं कि 18 नंबर, 18 या 26, 20 नंबर हमारा जो है अभी बेसी है, ठीक है, 20 नंबर हमारा बेसी है, लेकिन हम 15 नंबर मानते हैं। 15 जिसको है वो सेफ है, क्योंकि नंबर है तभी तो बढ़ा है, ये समझ। नंबर नहीं है जितना था किसे इंक्रीज हुआ, यहाँ देखिए नंबर नहीं था एससी बॉर्डर एससी में, एक एक नंबर मात्र बढ़ा है फीमेल का, इसका भी 3-4 बढ़ता। देखिए यहाँ फीमेल का जो है
कितना बढ़ा है? एसडी का नंबर था तो हित नंबर बढ़ा, नहीं नंबर रहता तो नहीं बढ़ता। देखिए बॉर्डर एरिया में ओबीसी का भी सारे बढ़ा है, इसका भी डेढ़ गुना सबका कीजिए और अपना अपना जोड़ लीजिए। और जनरल का ओबीसी 117, 111 से 117 हो गए, 6 नंबर इसका भी बैठा है तो 10 नंबर इसका भी चाहिए। नक्सल ओबीसी का जो है 97 था, 108 हुआ, 11 नंबर बढ़ा है, इसका भी हम लोग 15 नंबर। बॉर्डर एससी का देखिए 11 नंबर बढ़ा है, 15 और बढ़ने की चांस है, चांस है मतलब इतना दिन बेसी आपको है तो आप कन्फर्म है। सो नहीं कि हम आपको बोल देंगे कि हाँ आपका 103 है 105 वाला कन्फर्म है, ऐसा कोई बात नहीं, कोई जरूरी नहीं, कह नहीं सकता है, बोल भी सकता है तो, लेकिन इतना नंबर दिया है आप लोग का कन्फर्म है, कम का चांस लेकर नहीं चलिए कि 2 नंबर है हो ही जाएगा, क्योंकि अगले बार भी हमारा 8 नंबर 9 नंबर बेसी था लेकिन 10 नंबर पर गया 11 नंबर, तो हम लोग भी छटा गए इसी कारण से। सब लोग यूट्यूब पर बोल रहे थे 1 नंबर बढ़ेगा, 2 नंबर बढ़ेगा, 3 नंबर बढ़ेगा, नहीं जितना बढ़ा उससे दोगुना बढ़ जाता है, दोगुना नहीं तो डेढ़िया जरूर हो जाता है। देखिए डेढ़ गुना 4 था 11 हो गया, इसी के हम डेढ़ गुना लेकर चल रहे हैं। जनरल एस सी का देखिए 97 अभी है जो कि कल रिजल्ट में आया है, वो पहले जो था निवासी था 8 नंबर इंक्रीज हुआ, इसका भी 12 नंबर देख चलिए। नक्सल एस सी 72 था 81 हुआ है 9 नंबर, तो इसका भी देखिए कि 12 नंबर रहना चाहिए। और सबसे ज्यादा देखिए बॉर्डर पे बढ़ा है, बिहार में बॉर्डर एस टी का जो है कितना बढ़ा है, 17 नंबर बढ़ा है, अब देख सकते हैं। लड़की में भी एस टी का ही बढ़ा है और इधर लड़के में भी मेल वाले में भी एस टी में ही बढ़े 15-12, जनरल एस टी, नेशनल एस टी का 15 नंबर, तो ये सब का कम बढ़ सकता है क्योंकि बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो सकता है। हम इन सब का लगता है हम 10-12 दिन और है तो ये सब का हो जाएगा 120। तो ये जो था सो आपको हम कन्फर्म नहीं बता सकते हैं कितना ही बढ़ेगा, कम भी बढ़ सकता है, इसीलिए लेकिन एक अनुमान जो पिछले साल हुआ था उसके आधार पर हम लोग किए हैं, क्योंकि पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था, डेढ़ गुना लगभग हो ही गया था, डेढ़ गुना 2 गुना हुआ था फिजिकल के कटौत के बाद जो फाइनल हुआ था जो आया था उसके रिजल्ट में। तो ये जो बिहार का सभी का हम जो है तो एक जगह इकट्ठा कटौत जो है बता दिए हैं कि बॉर्डर का इतना गया, जनरल का, नक्सल का, IWS, SC, OBC, UR, ST, लड़की का भी, फीमेल का बता दिए और मेल का बता दिए। आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा, क्योंकि हम भी आप मेहनत करके आप लोगों के लिए लाते हैं। और आज होगा तो यदि आप लोगों को ज़रूरत होगा कि डॉक्यूमेंट जो होगा उसमें क्या क्या ले जाना है तो उसके बारे में भी यदि आप कमेंट कीजिएगा तो हम वीडियो बनाएंगे लाएंगे। उसके बाद कब से होगा तो हमें लगता है कि 10 से 15 दिन के अंदर, मतलब 10 से 15 दिन, आज 1 तारीख हुआ, 10 से 15 दिन मेडिकल जो है कब से होगा तो 10 जुलाई से 15 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा, 10 से 15 जुलाई का स्टार्ट होगा। कंफर्म नहीं कर सकते, कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता है, लेकिन रिजल्ट जब आ गया है, मेरिट लिस्ट जारी कर दिया गया है, कटौत भी जारी कर दिया गया है, तो एडमिट कार्ड भी जारी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। तो आप लोग CRPF के वेबसाइट पे देखते रहिएगा, ऐसे जब भी आता है नोटिफिकेशन कोई भी तो अपडेट हम देंगे। आप लोगों को होगा कि आई चार्ट के बारे में, तो आई चार्ट भी हम आप लोगों को उपलब्ध करा देंगे, कौन कौन से पूछे जाएंगे
एक व्यक्ति हमारे पास है जो कि आई चार्ट आप लोगों को पढ़वाया जाता है। ये वाला है जो कि आप लोग खड़े होंगे 15 फीट या 20 फीट सभी सेंटर पर अलग अलग होता है, देख सकते हैं आप लोग को। ये भी आप कहिएगा तो उपलब्ध करा देंगे। ऐसे एक हमारे पास था जो कि आपको दिखा दिए हैं, देख लीजिए। ये चार्ट भी रहता है सेंटर पर, ए डी एफ एच जेड पी टी एस यू डी जेड ए डी एन एच पी एन टी यू एच एक्स यू ए जेड एन एफ डी। बहुत सारे बच्चे जो हैं ऊपर से पढ़ देते हैं, लेकिन जिसको निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष में दूर वाला दिखाई नहीं देता है, निकट दृष्टि दोष में ही आपको लगता होगा निकट वाला में दूर वाला दिखाई नहीं देता, तो उसमें जो है कुछ लड़का जो ऊपर से पढ़ देता है नीचे फंस जाता है। तो ये सबको आप रिवाइज करते रहिएगा, हो सकता है तो याद कर लीजिएगा। ऐसे सेंटर पर जब पता चलेगा कि किस कौन सा सेंटर पर कौन सा पढ़ाया जा रहा है तो वो भी हम आप लोगों को बताएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि सभी अपडेट जो है आपको आने से पहले अपडेट दें। सेंटर पर हम लोग भी जाएंगे तो हमारा भी मेडिकल है, तो जब भी होगा तो ये चार्ट जो है आई चार्ट आपको हम उपलब्ध कराएंगे कि कौन सेंटर पर कौन सा हो रहा है, कैसे हो रहा है और डॉक्यूमेंट में क्या क्या ले जाना है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट कीजिए, हम उसके बारे में आपको बताएंगे। जय हिंद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।